के जमाने में ज्यादातर काम ऑनलाइन हो गया है। बैंक जमा और निकासी भी अब ऑनलाइन है, लेकिन कई बार ये सुविधा भी बन जाती है। इस ऑनलाइन लेन देन से चंद्रपुर जिले के नागभीड़ तालुका के एक मजदूर को काफी फायदा हुआ है। गुरुवार को पता चला कि उसके बैंक खाते में गूगल पे के जरिए 99,98,106 रुपए की राशि जमा की गई है। मोबाइल फोन पर इतनी बड़ी रकम बैंक खाते में जमा होने का संदेश देखकर वो और गांव के लोग दंग रह गए। अंततः जिस खाते से पैसा आया था उसी खाते में बैंक के जरिए पैसा वापस भेज दिया गया है। नागभीड़ तालुका के मांगली निवासी राजू देवरा मिलाम मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। उनका बैंक ऑफ इंडिया की नागभीड़ शाखा में खाता है और गुरुवार को उनके बैंक खाते में गूगल पे के जरिए 99,98,106 रुपए जमा किए गए। उनके मोबाइल फोन पर बैंक से ऐसा संदेश मिला। उस मैसेज को देखकर एक पल के लिए भी उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने गांव के कुछ नागरिकों को भी इसकी जानकारी दी, इसलिए इसे लेकर गाँव में भी चर्चा शुरू हो गई। इसी बीच शुक्रवार को बैंक ऑफ इंडिया की नागभीड़ शाखा से फोन पर राजू मेश्राम से संपर्क किया गया। इस समय बैंक अधिकारियों ने बताया कि आपके बैंक खाते में 99,98,106 रुपए जमा हो चुके हैं, साथ ही इतनी बड़ी रकम का ब्यौरा देने को भी कहा। बैंक अधिकारियों के निर्देश के बाद राजू मेश्राम डर गए, तुरंत अपने एक साथी के साथ बैंक गए और संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की। बैंक अधिकारियों ने खाते में जमा राशि के बारे में पूछताछ की तो मेश्राम ने ईमानदारी से बैंक अधिकारियों से कहा कि ये राशि उनकी नहीं है और गलती से आ गई होगी, इसलिए बैंक अधिकारियों ने बाद में उसी खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जिससे वो आई थी। अपने खाते में इतनी बड़ी रकम जमा होते देख राजू मेश्राम भी हैरान रह गए थे, लेकिन वो राशि उनकी नहीं थी ये सच बताकर उन्होंने जो ईमानदारी दिखाई है उसकी सराहना की जा रही है। नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना, और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना। मसालों में मसाले अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले।